नमस्कार दर्शकों, नजर डालते हैं आज की फटाफट बुलेटिन पर। चक्रवाती तूफान तौकते की आहट के बीच मुंबई में टीकाकरण 2 दिन के लिए स्थगित। महानगर पालिका आयुक्त सुरेश ककानी ने कहा कि एहतियात के तौर पर मुंबई में 15 और 16 मई को स्थगित रहेगा टीकाकरण। तेलंगाना के नालगोंडा जिले में कोरोना पॉजिटिव युवक ने पेड़ पर बनाया ठिकाना। कहां घर छोटा है, परिजनों को संक्रमण न हो इसलिए लिया फैसला। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा और उनके क्रिकेटर पति विराट कोहली ने कोरोना राहत कार्य के लिए जुटाए 11 करोड़ से ज्यादा। दंपति ने 7 मई को केटो के साथ मिलकर धन जुटाने की घोषणा की थी। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में 7 फिलिस्तीनियों की मौत। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना के हमले में 6 लोगों की मौत, एक अन्य की मौत अलग घटना में हुई। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी घोषणा, नहीं होगी 10वीं बोर्ड की परीक्षा, 12वीं की परीक्षा फिलहाल स्थगित, हालत सुधरने पर होगा फैसला। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अरब सागर में बना गहरा दबाव का क्षेत्र, इसके शनिवार सुबह तक चक्रवाती तूफान तौकते में तब्दील होने की संभावना। शनिवार रात तक भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है तौकते। WHO प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस की चेतावनी, महामारी का दूसरा साल दुनिया के लिए पहले साल के मुकाबले अधिक घातक होगा। अमीर राष्ट्रों से की कोवैक्सीन योजना के तहत गरीब देशों को COVID-19 वैक्सीन दान करने की अपील। मध्य प्रदेश में बढ़ेगा कोरोना कर्फ्यू, बोले शिवराज, संक्रमण दर घटी पर अभी ढिलाई नहीं। नीम हकीम के चक्कर में न पड़े गांव के लोग। बढ़ते संक्रमण के चलते सरकार का अब पूरा फोकस गांव पर हो गया है। कोरोना संक्रमण दर की जो 24% तक पहुंच गई थी वो अब 11.8% हो गई है। असम के तीनसुकिया जिले में शुक्रवार को एक बाजार में संदिग्ध उल्का उग्रवादियों ने हथगोला फेंककर किया विस्फोट। विस्फोट में 2 लोगों की मौत, 1 व्यक्ति घायल। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने घटना को निराशा में किया गया कार्य बताया। कांग्रेस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल, वह भारत पहले की नीति देश के नागरिकों के टीकाकरण के लिए क्यों नहीं अपनाते। पार्टी ने यह सवाल किया कि क्यों टीके की 6 करोड़ खुराक निर्यात की गई जबकि भारतीयों को वह नहीं मिल रही। ये तो फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।